गुड आफ्टरनून क्लास। इससे पहले वाली क्लास में जियोग्राफी में कहाँ तक कराया था? वायुदाब पेटियाँ पढ़ा रहे थे, वायुदाब क्षेत्र पढ़ा रहे थे। वायुदाब क्षेत्र को ही, जो वायुदाब क्षेत्र में पूरी संरचना बनती है, गोल 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 संरचना को क्या कहते हैं? वायुदाब पेटियाँ या वायुदाब बेल्ट कहते हैं। बेल्ट भी तो कमर पे गोल गोल होती, उसी प्रकार अर्थ पे गोल गोल संरचना बनती है, उसको कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर बेल्ट। देखो जियोग्राफी, जियोग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं? वायुदाब क्षेत्र। वायुदाब क्षेत्र, तो देखो वायु का मतलब समझ गए, गैसों का झुंड वायु कहते हैं उसको। अगर यही वायु ऐसे चले या ऐसे चले तो इसको क्या कहेंगे? पवन कहेंगे, समझ में आ रहा है? और अगर ये वायु ऐसे चले तो इसको क्या कहेंगे? संवहन कहेंगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा? वायु दाब, वायु का कितना दाब है, मतलब क्या? वायु का प्रेशर, कहाँ कहाँ पे वायु का दाब पड़ता उस क्षेत्र को बताओ, इनके कहने का ये तात्पर्य। अब देखो ये अर्थ है, अब इस अर्थ पे कहाँ कहाँ पे वायु का दाब पड़ता है इंसान पे वो बताना है। देखो 0 डिग्री, ये हो गई 0 डिग्री, ये हो गया थोड़ा 0 डिग्री से ऊपर 5 डिग्री नॉर्थ। ध्यान से समझना, टफ है ये। 5 डिग्री साउथ, दिख रहा है? 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे, मतलब वो साउथ में आएगा नहीं आएगा? 5 डिग्री साउथ तक कंसीडर किया, 5 डिग्री नॉर्थ कंसीडर किया है, समझ में आया? जो 0 डिग्री, एग्जैक्ट जीरो डिग्री से कोई हवा ऊपर की तरफ नहीं उठती। क्लियर है? कोई हवा ऊपर की तरफ मतलब संवहन नहीं होता है। जब संवहन नहीं होगा तो तुमको उमस भी तो नहीं लगेगी। उमस लगेगी क्या? उमस नहीं लगेगी। इसका मतलब तुमको क्या फील होगा? बड़ा शांत फील होगा। शांत फील होगा, नहीं होगा। इसीलिए इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं? शांत क्षेत्र। याद रहेगा? क्या बोलते? शांत क्षेत्र या साइलेंट जोन है। साइलेंट जोन क्या है? 0 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री से जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, 1 डिग्री चलने पे कितना किलोमीटर चलना पड़ता है? 1 डिग्री से दूसरे डिग्री जाने पे कितना चलना पड़ेगा? 111 किलोमीटर तक। भाई 0 डिग्री से जैसे 10-20 किलोमीटर तुम आगे बढ़ोगे, 0 डिग्री से 10-20-30 किलोमीटर जैसे ही आगे बढ़े, तुरंत क्या होगा? प्रेशर का फ्लक्चुएशन, हवाओं का फ्लक्चुएशन होने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या कहेंगे कि यहां पे गड़बड़ है, यहां पे हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, यहां पे उमस लग रही है। कहां पे? 0 से थोड़ा आगे बढ़ोगे तब ऊपर की तरफ हवाएं उठेंगी, मतलब ऐसे ऐसे हवाएं चलेंगी। ऐसे हवाएं क्यों चलेगी? ऊपर की तरफ हवाएं क्यों उठती? क्योंकि यहां पे क्या होता है, इस पूरे एरिया में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये पूरा कंसीडर कर लिया, इस पूरे एरिया में क्या है? टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्मी होगी नहीं होगी? गर्म होगा नहीं होगा क्षेत्र। और जहां पे गर्म क्षेत्र होगा वहां पे गैसें जब सतह से टकराएंगी तो गैसें कैसी हो जाएंगी? हल्की हो जाएंगी ना, हल्की। और हल्की हल्की गैसें, जो हल्की हवा है जब सतह से टकराएगी उसके बाद ऊपर की तरफ उठेगी या नीचे ही रहेगी? क्योंकि वो हल्की हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स दिमाग लगाओ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है? जो हल्की चीज है वो ऊपर जाएगी, जो वजन चीज है वो नीचे आएगी। तो ये क्या हो गई? 0 डिग्री के आसपास हल्की हो गई हवा तो ऊपर जाएगी, मतलब देख रहे हो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है नहीं। अब जैसे ही ये वजन होगी धाम से नीचे आएगी, जैसे ही ये ऊपर जाएगी, ऊपर जा रही क्षोभ मंडल में, ये पूरा क्षोभ मंडल की ही कहानी चल रही है। दिख रहा है क्षोभ मंडल? क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाओगे तापमान क्या होता है? घटता है। घटता नहीं, घटता पढ़ाया था।
जब तापमान घटेगा तो ये हवा कैसी हो जाएगी, गर्म उठी थी लेकिन अब कैसी हो गई, ठंडी। और ठंडी में हर इंसान सिकुड़ता नहीं, सिकुड़ता तो फिर हवाएं भी सिकुड़ेंगी, और ये जब सिकुड़ेंगी तो इनका वजन कैसा हो जाएगा, ज्यादा। हर सिकुड़ी चीज का वजन ज्यादा होता है, ज्यादा हो गया वजन, अब कहीं पे इनको गिरना है तो कहां पे गिरेंगे, 30 डिग्री पे गिरेंगे, 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में गिरेंगे। आ रहा समझ में, 30 डिग्री यही ये जो दोनों उठे हैं, एक जाएगी 30 डिग्री नॉर्थ में गिर जाएगी और एक 30 डिग्री साउथ में गिर जाएगी। और जैसे ही सतह पे गिरी, जैसे ही हवा सतह पे गिरेगी, तुरंत दो भागों में संचलित होगी, एक एक साइड में, एक एक साइड में, क्षैतिज रूप में। और ये जो क्षैतिज रूप में चलना है, इसी को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। देखो एक इस साइड में हवा भागेगी और एक इस साइड में हवा भागेगी, एक इस साइड में हवा भाग रही, जब ऐसे हॉरिजॉन्टल भाग रही, देखो हॉरिजॉन्टल भाग रही, तो हॉरिजॉन्टल जब चलेगी हवाएं तो उसको क्या कहेंगे, पवन कहेंगे, नहीं कहेंगे, यही है पवन। अब देखो ये जो ये गिरी है, ये इधर को भी भागेगी और इधर को भी भागेगी, नहीं भागेगी, दिख रहा नहीं दिख रहा, क्लियर है, दिख रहा है। अब देखो यहां से आगे की तरफ गई 60 डिग्री नॉर्थ तक जैसे ही पहुंची, तुरंत क्या हो गया, टेम्परेचर, यहां पे टेम्परेचर ज्यादा, यहां पे टेम्परेचर कम, और फिर क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा, फिर क्या होगी, हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, नहीं उठेंगी, फिर 60 डिग्री से ऊपर की तरफ उठेंगी, फिर 60 डिग्री से ऊपर की तरफ, दिख रहा नहीं दिख रहा, क्लियर है नहीं है। उसके बाद ऊपर उठेंगी तो आप ऊपर उठ के फिर से क्या होगा, ठंडी हो गई, हवाएं क्या हो गई, ऊपर जाएंगी, क्षोभ मंडल में तापमान कम, तापमान कम होगा तो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी हवाएं, जब ठंडी हो गई तो मतलब सिकुड़ जाएंगी, और सिकुड़ जाएंगी तो मतलब वजन हो जाएंगी, वजन हो जाएंगी तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे घसीटी जाएंगी, और जब नीचे घसीटी जाएंगी तो किस क्षेत्र में घसीटी जाएंगी, इस क्षेत्र में, 90 डिग्री क्षेत्र में, ध्रुव पे जाके गिरेंगी जाके, और फिर संचलित होंगी इधर की तरफ, और ये वाली पवन किधर गिरेगी आके, 30 डिग्री पे, दोनों का संचलन प्रक्रिया समझ में आ रही, पवनों का, वायुदाब क्षेत्रों का संचलन समझ में आ रहा है। देखो कहां से उठी, 0 डिग्री से उठी और 30 डिग्री पे गिरी, जब 30 डिग्री पे गिरी उसके बाद दोनों तरफ हवाएं चलेंगी, दोनों तरफ मतलब उत्तर में भी भागेंगी और दक्षिण में भी भागेंगी। देखो ये उत्तर की तरफ जा रही और ये दक्षिण की तरफ जा रही, दक्षिण की तरफ जो आ रही वो किधर आ रही, 0 डिग्री पे आ रही है, किधर आ रही, 0 डिग्री पे आ रही, और 0 डिग्री पे तो तापमान ज्यादा है तो फिर से ये उठ जाएगी, ये साइकिल समझ में आ रहा है, इसको साइकिल बोलते हैं, हेडली की साइकिल बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे। साइकिल का मतलब समझते हो, जो चीज जहां से चल रही वहीं पे आ रही है, साइकिल का मतलब वो पूरी साइकिल से नहीं होता, साइकिल का मतलब होता है साइकिल के रिम से, जो व्हील होता है इसको कहते हैं साइकिल। देखो इसमें कहीं पे कोई एंड पॉइंट है, जो जहां से पॉइंट चल रहा वहीं घूम के देखो आ रहा नहीं आ रहा, उसी प्रकार तो देखो इसको भी तो बोलते हैं साइकिल। 0 डिग्री से उठा और कहां पे गिरा, 30 डिग्री पे, क्यों गिरा, क्योंकि यहां पे तापमान कम है और प्रेशर ज्यादा, क्यों, क्योंकि तापमान कम है ना, जब तापमान कम होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक कैसे ज्यादा हो जाएगा, ये हवाएं गिरेंगी, ये हवाएं कहां पे गिर रही, 30 डिग्री पे गिर रही, 30 डिग्री पे जितने भी लोग रहते हैं उनके सिर पे ज्यादा प्रेशर लगेगा हवाओं का, ऊपर से लगेगा कि हमको कोई धकेल रहा, ऊपर से लगेगा कोई धांस रहा हमको, तो उसको क्या कहेंगे, ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तभी तो कहते हैं 30 डिग्री पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, तापमान कम होता है, समझ में आया। अब ये जब हवाएं नीचे 30 डिग्री पे आई उसके बाद ये दो तरफ भागेंगी, दो तरफ मतलब
एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, ये है नीचे की तरफ भाग रही और ये ऊपर की तरफ भाग रही, दिख रहा है? ये जो नीचे की तरफ हवा भागी है इसको क्या बोलेंगे? पवन बोलेंगे, क्योंकि ये हमने ये नहीं कहा ये हवा उठी है, हमने कहा ये नीचे की तरफ संचलित हुई है। हॉरिजॉन्टल दिख रही है, नहीं दिख रही, तो इसको क्या बोलेंगे? पवन में बोलेंगे। लेकिन ये जो उठ रही है इसको क्या बोलेंगे? संवहन बोलेंगे। ये क्या है? संवहन। और ये जो बीच में ये दिख रही है गिरने के बाद जो भाग रही है इसको क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। आया दोनों में समझ में? संवहन उठती है और पवन हॉरिजॉन्टली चलती है। आ रहा समझ में? हॉरिजॉन्टली दो प्रकार से चल रही है, एक नीचे की तरफ जीरो डिग्री पे आ रही और एक किधर जा रही है? 60 डिग्री तक की तरफ। और 60 डिग्री पे भी क्या है? तापमान ज्यादा है, तो तापमान ज्यादा है इसका मतलब 60 डिग्री से भी संवहन होगा, वही तो दिख रहा है। देखो 0 डिग्री पे जो वापस आई थी वो फिर संवहन की प्रक्रिया से ऊपर, और जो 60 डिग्री पे जा रही थी वो भी संवहन की प्रक्रिया में। थोड़ा टफ है दिमाग लगाना, ठीक है? 60 डिग्री पे फिर से ऊपर उठ गई, ऊपर उठी। अब ऊपर उठने के बाद क्या होगा? ऊपर उठने के बाद फिर से ये हवाएं क्या हो जाएंगी? ठंडी हो जाएंगी। ठंडी का मतलब सिकुड़ जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी इसका मतलब वजन बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरेगी धड़ाम से। धड़ाम से कहां पे गिरेगी? 90 डिग्री पे। और जब 90 डिग्री पे गिरी फिर से क्या होगा? दो तरफ हवाएं भागेंगी। अब दो तरफ, एक तरफ तुमको कुछ लग रहा है, एक तरफ तो मुंडा हो गया है, गंजा है, देखो इस साइड में जाने वाला है, इसका मतलब इस साइड में ही हवा आएगी। लेकिन तुम दिमाग लगा पा रहे हो? अर्थ कैसी होती है? गोल होती है। इसका मतलब ये पीछे की तरफ भागती है, वही तो इधर आती हुई दिखती है। गोला है अर्थ नहीं है। आ रहा समझ में? ये जो इधर की तरफ जा रही है वो इधर की तरफ आती हुई दिख रही है। अभी देखना नीचे वाली प्रक्रिया में जो प्रक्रिया ऊपर हो रही वही प्रक्रिया सेम नीचे हो रही, समझ में आ रहा है? कितने डिग्री से ऊपर उठी है? 60 डिग्री से। 60 डिग्री से संवहन हुआ ऊपर उठी, तो 90 डिग्री पे गिरेगी, तो 90 डिग्री पे प्रेशर कैसा होगा भाई? जहां पे पवने गिरती हैं, जहां पे संवहन प्रक्रिया से हवाएं गिरती हैं, वहां पे कैसा होता प्रेशर? ज्यादा होता है भाई। यहाँ पे जब प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा? कम। प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा। देखो ट्रिक बन गई, ज्यादा कम ज्यादा कम, दिख रहे हैं? ज्यादा कम ज्यादा कम, यही सेम प्रक्रिया इधर भी लगेगी। इधर क्या है? ज्यादा, फिर इधर कम, फिर 60 डिग्री पे ज्यादा, फिर 90 डिग्री पे कम। तापमान, तापमान समझ गया है? अब देखो तापमान कम है तो प्रेशर ज्यादा, तापमान ज्यादा है तो प्रेशर कम, और देखो तापमान कम है तो प्रेशर ज्यादा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? अब देखो यहां पे ये वाली ऊपर की प्रक्रिया आ गई, समझ गई? अब नीचे की सेम वैसी प्रक्रिया है। ये जीरो डिग्री से जो हवाएं उठी थी उसी का आधा भाग कहां पे गिरा था? 30 डिग्री साउथ में भी गिरा था। आया समझ में? जब ये गिरेंगी हवाएं यहां पे तो दो तरफ संचलित होंगी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये जो ऊपर की तरफ हवा जा रही है, ये फिर से किस में मिल जाएगी? जीरो डिग्री वाले संवहन में मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। और ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये 60 डिग्री साउथ में क्या है? तापमान ज्यादा और प्रेशर कम। तापमान ज्यादा इसका मतलब यहां से भी ऊपर की तरफ उठेगी, यहां पे भी बनेगा क्या? संवहन। यहां पे भी क्या बन रहा है? संवहन 60 डिग्री साउथ में। जैसे जैसे वहां है सेम नीचे, समझ में आ रहा है? अब देखो ये जो संवहन ऊपर की तरफ उठी है ये फिर कहां पे गिरेगी? एक तो पीछे गिरेंगी और एक आगे, आगे मतलब 90 डिग्री साउथ में थ्रो पे। दिख रहा है? आ रहा है समझ में? क्लियर है? इतना ही क्या होता है? परिसंचरण होता है। अब हेडिंग डालो भूमध्य
रेखा निम्न दाब क्षेत्र, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा निम्न दाब क्षेत्र, ये बना रहने दो तो समझ में आएगा। सब बहन ये क्षोभ मंडल की लाइन, क्या है ये भूमध्य रेखा, इसकी बात कर लेते हैं, इस क्षेत्र की भूमध्य रेखा निम्न दाब। दिख रहा है भूमध्य रेखा वाला, इस पूरे क्षेत्र में क्या बनना है, निम्न दाब बनना है, लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन बनना है। लिखो इसमें, इस रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ से, 0 डिग्री विषुवत रेखा से, 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री विषुवत रेखा से, 5 डिग्री नॉर्थ ऊपर की तरफ, 5 डिग्री साउथ नीचे की तरफ, क्या ये बनता है, क्या भूमध्य रेखा निम्न दाब, भूमध्य रेखा निम्न दाब, भूमध्य रेखा निम्न दाब। यहां तापमान कैसा होगा, ज्यादा, और प्रेशर कैसा होगा, दाब कैसा होगा, कम। लिखो, यहां तापमान ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, तापमान ज्यादा होता है, प्रेशर कम होता है, तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, जिसे हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ऊर्ध्वाधर हवाएं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेंशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वेंशन, ये जो 0 डिग्री से थोड़े किलोमीटर तक आगे और थोड़े किलोमीटर तक पीछे, ये कौन सा क्षेत्र है, शांत क्षेत्र, ध्यान से सुनना, शांत क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, पूछा गया, शांत क्षेत्र, साइलेंट जोन। शांत क्षेत्र क्यों बोला जाता है, इसी एरिया को बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र, डोल ड्रम। अगर सिर्फ कहते हैं ड्रम क्षेत्र, ड्रम में आवाज आती है, बजाने पे ड्रम में आवाज आती है, लेकिन ड्रम अगर डोल है, अगर डोल ड्रम है तो आवाज नहीं आती, इसीलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, डोल ड्रम क्षेत्र भी बोलते हैं, डोल ड्रम क्षेत्र। किस एरिया को, इसी एरिया को, भूमध्य रेखा निम्न दाब क्षेत्र को, भूमध्य रेखा निम्न दाब क्षेत्र को क्या बोलते हैं, डोल ड्रम क्षेत्र। यहां की हवाएं ऊपर उठ के संघनित होती हैं, संघनित मतलब समझते हो, संघनित होना, कंडक्शन होना, संघनित होती हैं और प्रतिदिन वर्षा कराती, प्रतिदिन वर्षा कराती, कौन सी एरिया में, भूमध्य रेखा निम्न दाब, भूमध्य रेखा निम्न दाब। इधर बनाए दे रहा है, पूरा डिटेल में बता दे, देखो इधर दिख रहा है, इस साइड में दिख रहा है, बोला इस साइड में दिख रहा है, देखो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा निम्न दाब, मतलब भूमध्य रेखा किसको कहते हैं, 0 डिग्री को कहते, और क्या नाम ले रहा, भूमध्य रेखा तक तो बात क्लियर है, फिर क्या कह रहा है, निम्न दाब क्षेत्र। उसने ही बता दिया कि यहाँ पे क्या बनेगा, निम्न दाब क्षेत्र बनेगा, मतलब इसमें, इस एरिया में टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, समझ में आया। कहते हैं यहां से हवाएं 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इतने जोन में, इस जोन में हवाएं कैसे उठती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, हमारा समझ में, ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठ के क्या हो जाएंगी, संघनित हो जाएंगी, लैटेंट एनर्जी जो होती है, लैटेंट हीट
वो बाहर निकल जाती है, वो आगे पढ़ाएंगे। और क्या कर देती है, बादल का निर्माण कर देती है, क्लाउड का निर्माण करती है। इस एरिया में झमाझम बारिश होती है रोजाना, रोजाना 12 से लेकर 3 बजे तक बारिश, फिर खुली धूप, उसके बाद फिर शाम को हल्की फुल्की बारिश। यहाँ के लोग कपड़े होना हो लेकिन छाता जरूर होगा, क्योंकि रोज बारिश होती ना, 11 से लेकर 3 तक डेली बारिश होती। अब उनको ऑफिस भी जाना है, रेनकोट तो होगा ही होगा, क्योंकि 12 से लेकर 3 तक खूब बारिश होती है। किस वजह से, क्योंकि इस एरिया में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, मतलब हवाएं ऊपर उठेंगी। जब हवाएं ऊपर उठती तो पानी लेकर ऊपर उठती, पानी लेकर जो ऊपर उठेंगी और ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, मतलब बादल बन जाएंगे, बादल। इस एरिया में खूब बारिश होगी, आया समझ में। दूसरा डालो, दूसरा नाम देखो, उष्ण उच्च दाब वायु पेटी, उष्ण उच्च दाब वायु पेटी। ये भूमध्य सागर वाला हो गया, भूमध्य सागर वाला इतना क्लियर है। आप पता नहीं क्या जा रहे हैं, 30 डिग्री की बात कर लेंगे। उष्ण उच्च दाब वायु पेटी 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच उठने वाली हवाएं, जो 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच, ये देखो इसकी बात कर रहे हैं भाई, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो हवाएं उठती, ये दिख रही, इसी की बात कर रहे हैं। ये जो ऊपर उठती, ये जहां पे गिरेगी जाके, ये जहां पे गिरती उसको क्या बोलते हैं, 30 डिग्री बोलते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, 30 डिग्री साउथ बोलते हैं। इन दोनों जोन पे हवाएं गिरेंगी, जब हवाएं गिरेंगी तो इसको क्या बोलेंगे, उष्ण उच्च दाब पेटी, उष्ण उच्च दाब पेटी। देखो हवाएं गिर रही, ये जो हवाएं गिर रही सिर पे, ये क्या लगाती है, कोई चीज तुम्हारे सिर पे भार गिरे तो तुम पे प्रेशर नहीं लगेगा, दाब नहीं महसूस होगा, उसी दाब को ही तो क्या कह रहे हैं, उष्ण। तो ये क्षेत्र है, ट्रॉपिकल रीजन बताया था, उष्ण कटबंधी बताया था, ये उष्ण कटबंधी तो क्षेत्र में ये है, समझ में आ रहा है। उच्च दाब पेटी बन रही, नहीं बन रही, उच्च दाब का मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर तो टेम्परेचर कैसा होगा, लो, और प्रेशर कैसा होगा, हाई होगा, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो, 30 डिग्री से 35 डिग्री तक बनती है, ये जो हवाएं गिरेंगी ये कहां तक गिरेंगी, 30 से लेकर 35 डिग्री, 5 डिग्री तक, 5 डिग्री को कवर करती है, समझ में आ रहा। 30 से 35 डिग्री पे हवाएं गिरती है नॉर्थ में, और 30 से 35 डिग्री साउथ में गिरती है। यहां तक लिखा, इनके गिरने से दाब ज्यादा हो जाती है, हवाओं के गिरने से दाब ज्यादा हो जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं, हाई प्रेशर जोन, इसीलिए क्या कहते हैं, उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब पेटी कहते हैं, समझ में आ रहा है। अब एक कहानी सुनो, इसी 30 डिग्री पे जो व्यापारी होते थे, व्यापारी 30 डिग्री पे जो व्यापारी नाव लेके जाते थे, 30 डिग्री पे जो व्यापारी नाव लेके क्या करने जाते थे, व्यापार करने जाते थे कितने डिग्री पे, 30 डिग्री से 35 डिग्री पे जो नाव लेके जाते थे, इसी 30 डिग्री से 35 डिग्री में हवाएं ऊपर से सिर पे लग रही है, गिर रही है, बोझा जैसे गिरता है, किसी के ऊपर बोझा गिर जाए तो प्रेशर ज्यादा नहीं लगेगा सिर पे, वैसे ही बोझे के प्रकार क्या गिर रही है, हवाएं गिर रही है। और ये किस पे गिरेंगी, इन व्यापारियों पे गिरेंगी, और ये व्यापारी किस पे है, नाव पे, और नाव किस पे है, पानी पे, ये बना दी नाव और नीचे बना है पानी, समझ में आया। अब जब इस नाव पे ज्यादा भार लगेगा तो नाव नीचे की तरफ धसेगी, नहीं धसेगी, अगर नाव में ज्यादा भार हुआ तो और ज्यादा धसेगी,
समझ में आ रहा है? इसी जहाज में क्या होते थे? घोड़े होते थे। इसी जहाज में क्या होते थे? घोड़े होते थे। घोड़े का भार ज्यादा होता था। तो ये लोग उस समय इनकी मानसिकता क्या थी, जब इतना ज्यादा साइंस विकसित नहीं थी, तो मानसिकता क्या थी कि ये सागर जो है, ये जो समुद्र है, ये जो नदी है, ये क्या मांग रही है? ये बलि मांग रही है। बलि किसकी मांग रही है? घोड़े की बलि मांग रही है। ये तो बाद में पता चला बलि वली नहीं मांग रही थी, घोड़े की बलि मांग रही है। तो ये लोग अपने नाव से पानी में क्या डाल देते थे? घोड़े को ढकेल देते थे। वो कह रहा हमको नहीं ढकेलना, अरे कोई मरना चाहता क्या, उसको ढकेल देते थे। जब ढकेल देते थे तो बताओ वजन कम पड़ गया, शिप का वजन, जहाज का वजन कम पड़ गया, तो प्रेशर भी, प्रेशर लग रहा है लेकिन अब डूबेगी नहीं नाव। इसीलिए इस लाइन को क्या कहते हैं? अश्वरेखा। अश्व बलि रेखा ना कहते, सिर्फ क्या कहा है? अश्वरेखा। जबकि इसको क्या होना चाहिए? अश्व बलि रेखा होना चाहिए वास्तविकता में, क्योंकि घोड़ों की बलि दी जा रही है। आया समझ में? ये जो लाइन बताई है, ये 0 डिग्री वाली, इसको डोल्ड्रम कहते हैं। 30 डिग्री से 35 डिग्री वाले को क्या कहते हैं? अश्वरेखा कहते हैं, हॉर्स लाइन। हॉर्स लाइन, यहाँ पे घोड़े नहीं भागते, यहाँ पे लोगों ने घोड़ों को भगा दिया है। कहां से? नाव से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अश्वरेखा कहते हैं। आया समझ में? अश्वरेखा क्लियर है। अब डालो उपध्रुवे निम्न दाब पेटी। उपध्रुवे निम्न दाब पेटी, उपध्रुवे निम्न दाब पेटी। अरे इधर रब कर दे क्या, ये वाला तो समझ में आ गया ना, ये वाला तो समझाए समझ में आ गया, इसको रब कर दे। यही जो समझाए, ये जितनी भी समझाए उनको डिटेल में लिखवा रहे हैं, बस समझा तो पहले ही दिया। उपध्रुवे को क्या कहते हैं? ध्रुवे को, ध्रुव को क्या कहते हैं? 90 डिग्री ध्रुव, जो सबसे ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। जो उसके नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं? उपध्रुव। जैसे नहीं होता उपमंत्री, जैसे राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति बड़ा होता है और उपराष्ट्रपति छोटा होता है, इसीलिए उपध्रुवीय क्षेत्र मतलब क्या है? ध्रुव से नीचे वाला क्षेत्र। समझ में आ रहा है? नाम क्या है पूरा? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, नाम में ही क्लियर है। देखो उपध्रुवीय, ये बन गया गोला जैसा, बन गया आलू जैसा, बन गया। ये गोला ठीक है। उपध्रुवीय ध्रुव का मतलब 90 डिग्री, ये है ध्रुव, ये है ध्रुव। क्या कह रहे हैं? उपध्रुवीय ध्रुव के नीचे, ध्रुव के नीचे कितना? 60 डिग्री की बात कर रहे हैं। 60 डिग्री इधर भी, 60 डिग्री, 60 डिग्री ये साउथ है, ये क्या है? नॉर्थ। ये था 0 डिग्री, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, 0 डिग्री पे क्या था? तापमान ज्यादा, प्रेशर कम। फिर 30 डिग्री की अगर हम बात करें, 30 डिग्री की अगर बात करें तो तापमान कैसा था? तापमान कम था, प्रेशर ज्यादा था। प्रेशर कैसा था? ज्यादा था। अब बात किसकी करने जा रहे हैं? 60 डिग्री की। इसी 60 डिग्री को क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। तो यहाँ पे इसका मतलब निम्न दाब बनेगा। देखो बनेगा नहीं बनेगा, टेम्परेचर क्या है अभी? कम है, तो यहाँ क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा और प्रेशर कम। प्रेशर कम को क्या बोलेंगे? निम्न दाब। बना नहीं बना? निम्न दाब पेटी। पेटी का मतलब समझते हो, इसको बेल्ट बोलते हैं। ये जो अर्थ है ये गोल है, और कमर भी कैसी होती है? गोल होती है। कमर पे लगाते हैं बेल्ट, समझते हो? वैसे ही यहाँ पे वायु की ये बेल्ट बनी हुई है। इस गोले पे जैसे बेल्ट लगाई जाती है, वैसे बेल्ट नुमा बनी हुई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पेटी या बेल्ट बोलते हैं। अब देखो यहां से क्या होगा,
टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठेंगी, उसके बाद गिरेंगी कहाँ? दो जगह पर गिरेंगी, एक तो 90 डिग्री ध्रुव पे गिरेंगी, दूसरा 30 डिग्री पे गिरेंगी। आया समझ में? उसके बाद ये हवाएं नीचे गिर के इधर संचलित होंगी और इधर भी संचलित होंगी, और ये इधर को ही संचलित होगी। आ रहा समझ में? हवाएं समझ में आ रही है? बस इतना ही है इसमें। उसके बाद डालो ध्रुवीय, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी बन गया ना, उच्च दाब। भाई देख लो, ये क्या था, तापमान ज्यादा था, यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा, कम और प्रेशर ज्यादा। देखो उच्च दाब नहीं बन रहा जहां पे प्रेशर गिर रहा है, जहां पे वायु गिर रही वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा नहीं होगा? देखो वायु 90 डिग्री पे गिर रही तो प्रेशर क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो नाम भी तो उसका है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, बन गया ना उच्च दाब। इतना क्लियर है? बस यही तक। अब देखो फिर से एक बार संचरण समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से 0 डिग्री के पास से हवाएं उठती थी, गिरेगी कहां? 30 डिग्री पे, ठीक है। और यहां पे भी नीचे की तरफ 30 डिग्री साउथ में भी गिरेंगी, नहीं गिरेंगी? आ रहा समझ में? और उसके बाद गिरने के बाद दो तरफ चलेंगी, एक तो इधर और एक इधर, और ये भी जो गिरी है ये एक इधर चलेगी और एक इधर। यार आप थोड़ा संचरण समझ में, इधर जब चलेगी यहाँ पे तापमान क्या होता है, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा फिर ऊपर उठेगी, फिर ऊपर उठी ये इस साइड में गिर जाएगी 30 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे, ये ऐसे चलेगी। ये पूरा पृथ्वी पे संचलन समझ में आ रहा है? क्लियर है? नोट डाउन, इसको ग्राफ बनाओ। अभी टाइम बाकी, अब देखो फिर एडिंग डाउन। ये जो बीच में तुमको पृथ्वी पे चलती हुई दिख रही है ये वाली, ये जितनी भी उठती हुई दिख रही है सब क्या है? सब है। फिर एक बार देख लो, ये जो तुमको उठती हुई दिख रही है क्या है? सब वहन है। ये बादल का निर्माण करती है, ये बारिश कराती है, लेकिन जो हमारे शरीर पे महसूस होती है, जो हमारे चेहरे पे महसूस होती, तुमको लगता है कि हाँ कुछ चलता हुआ, वो गैसों का समूह है। ये जो हवाएं हैं गैसों का समूह है। ये जो क्षैतिज, ये देखो चल रही है क्षैतिज, इनको क्या बोलते हैं? पवने। समझ में आया? ये जितनी भी हमने क्षैतिज रूप से चलती हुई बनाई है ये परमानेंट पवने, परमानेंट स्थाई पवने। स्थाई पवनों का मतलब साल भर जैसे चलती वैसे ही चलती रहती, साल भर, साल के बाद दूसरा साल, दूसरे के बाद तीसरा साल, मतलब पूरी जिंदगी ऐसे ही चलेंगी जैसे हमने बनाया है। आया समझ में? कैसे चलेंगी? जैसे हमने बनाया है। हवाएं हमेशा कैसे चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। दुनिया में हर चीज उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। हवाएं भी देखो, यहां पे क्या था? निम्न दाब। यहां पे क्या है? उच्च दाब। देखो हवाएं किधर चल रही है, ये है ना उच्च दाब क्षेत्र, ये है ना प्रेशर ज्यादा, और यहां पे क्या है? प्रेशर कम। इधर से ऐसे चल रही है, देखो दिख रहा है उसमें? हवाएं कैसे चलती है? सीधा सिंपल एक शब्द में, हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। पूरी दुनिया में हर चीज, इलेक्ट्रिक जो ये बल्ब वगैरह चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी उच्च दाब से निम्न दाब, नॉलेज भी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। आज मान लो तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो, किस लिए? क्योंकि हमारा जो नॉलेज का दाब है ये है, और तुम लोगों का भी कितना है? ये है दाब। भाई ग्रेजुएशन तुम लोगों ने भी कर रखा है, समझ में आ रहा है? तो नॉलेज तो है ही, यूपीएससी की तैयारी करो, नॉलेज तो है ही, समझ में आ रहा है? लेकिन कितना है? अभी हमसे थोड़ा कम है। और ये क्या हो रहा है? ये उच्च है, उच्च से निम्न की तरफ क्या हो रहा है? ड्रेन हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जिस पे हम हैं उसी पे तुम भी आ जाओगे, ऐसे हो जाएगा। तब क्या नॉलेज का ड्रेन होगा? तब नहीं होगा। हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम हमको पढ़ाने लगोगे, तब फिर पढ़ने आओगे? नहीं, जब अरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा
फिर जब दोबारा पढ़ाएंगे, तुमने पढ़ रखा है वो चीज, फिर क्यों पढ़ोगे तुम लोग? समझ में आ रहा है? ये होता हर चीज दुनिया में उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, इसी को बोलते हैं दाब प्रवणता। क्या बोलते हैं? दाब प्रवणता इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। उच्च दाब से जो प्रेशर में क्या है, उच्च और निम्न जो अंतर है, उसी को क्या बोलते हैं? दाब का अंतर, या फिर दाब प्रवणता, या फिर इंग्लिश में प्रेशर ग्रेडियंट। ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये प्रेशर ग्रेडियंट का है। अब ये प्रेशर तो बताया नहीं, नॉलेज बताया, तो ये क्या हो गया? नॉलेज ग्रेडियंट हो गया, नहीं हो गया? हर चीज कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। तो हवाएं भी कैसे चलेंगी? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। देखो उच्च दाब कहां पे बन रहा है? क्या 0 डिग्री पे उच्च दाब बन रहा है? क्या 0 डिग्री पे उच्च दाब बन रहा है? भाई कौन बता रहा है? 0 डिग्री पे बन रहा है क्या उच्च दाब? नहीं बन रहा, तो कहां बन रहा है उच्च दाब? उच्च दाब कहां पे बन रहा है? देखो ना, पूरे अर्थ में देखो कहां पे बन रहा है उच्च दाब? हाई प्रेशर 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे बन रहा, नहीं बन रहा? ये देखो यहां पे प्रेशर कैसा होगा? हाई प्रेशर होगा। तो बताओ ये जो दोनों तरफ हाई प्रेशर है, तो दोनों तरफ से हवाएं आएंगी नहीं आएंगी? 0 डिग्री की तरफ दोनों तरफ से हवाएं आएंगी नहीं आएंगी? फिर से एक बार ग्राफ बना के, स्थाई पवने बहुत जरूरी है याद करना, कंठस्थ करना। देखो थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा वो तो दिमाग लगाना पड़ेगा। ये हो गई पृथ्वी। अब पृथ्वी पे हमको पवने पड़ेंगे। हमने सबहन तो निपटा दिया भाई, सबहन में क्या पढ़ना है? ऊपर की तरफ जा रही वो सब सबहन है, जो नीचे चल रही हॉरिजॉन्टल चल रही है, जो क्षैतिज रूप में चल रही वो है पवने। समझ में आ रहा है? और पवने कैसे चलेंगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चलेंगी। समझ में आ रहा है? अब देखो 0 डिग्री पे तापमान ज्यादा, प्रेशर कम है ना? 0 डिग्री तो कम है भाई, 0 डिग्री पे क्या है? कम है प्रेशर, तो यहां से हवाएं नहीं चल सकती। एकदम क्लियर है भाई, यहां से हवाएं नहीं चल सकती, एकदम क्लियर होगा। तो चलेगी कहां से? देखो 30 डिग्री, ये आया 30 डिग्री। 30 डिग्री पे क्या है? तापमान कम है, प्रेशर ज्यादा है। ये प्रेशर देखना, प्रेशर तापमान भूल गया, प्रेशर देखो ज्यादा है नहीं? और 30 डिग्री साउथ में प्रेशर कैसा है? ज्यादा है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे। आप एक चीज नोट डाउन करो, ये बीच में जो लाइन पड़ी है क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर वाला पल्ला, पूरा पल्ला क्या कहते हैं उसको? नॉर्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं पूरे को? नॉर्थ हेमिस्फीयर, ऊपर का अर्धगोला नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे का अर्धगोला साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में डायरेक्शन कैसा होगा चलने का? पवनों का चलने का डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज पूछा गया। नॉर्थ में जो पवने चलेंगी हमेशा कैसी चलेंगी? क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई जैसे। और साउथ में कैसे चलेंगी पवने? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। ऐसा क्यों? इंटरव्यू में पूछ ले कि जो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती हैं पवने, ऐसा क्यों? कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस बल क्या होता है? घूर्णन बल होता है। किसी चीज को तुम घुमाओगे तो उस पे एक, उसकी सतह पे एक अलग फोर्स जनरेट हो जाता है। हम मान लो ये हाथ है, अभी स्थाई है नहीं घुमा रहे, इसके ऊपर एक चींटी बैठ जाए और अभी इस हाथ को घुमाएंगे तो चींटी पे भी तो फोर्स लगेगा। जिस शेप में जिधर को घुमा रहे उसके विपरीत फोर्स लगेगा। अगर हम ऐसे हाथ घुमाएंगे तो चींटी पीछे जाएगी ना कि आगे आएगी। ट्रेन में जब बैठते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल जब चलती तो हवाओं का जो झोंका होता है वो पीछे की तरफ फेंकता है या आगे की तरफ फेंकता है? पीछे की तरफ फेंकता है। मोटरसाइकिल जब ऐसे चलाओगे तो कैसे पवने थपेड़ मारती पीछे की तरफ, वैसे ही ये जो है अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू
ईस्ट घूमती, वेस्ट टू ईस्ट घूमती। जब ऐसे घूमेगी तो ये पौनों पे थपेड़ कैसे मारेगी, इधर को मारेगी, और इधर को जब मारेगी इसको क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज चलेगी। अब देखो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या चलेगी, हवाएं चलेंगी, हॉरिजॉन्टल चलेंगी, उसको क्या बोलेंगे, पवन बोलेंगे। देखो ये ऐसे चलेंगी, दिख रहा है क्लॉकवाइज, किसको लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये हवाएं तो चली थी ऐसे, ये हवाओं का डायरेक्शन था क्षैतिज, लेकिन जो अर्थ घूम रही है तो वो हवाओं को थोड़ा अल्टर कर रही, थोड़ा क्या कर रही, घुमा रही है, थोड़ा घुमा रही, कितना, इतना घूम रही है, मतलब इससे थोड़ा घूम रही, थोड़ा ऐसे सीधी थी, अब कैसी दिख रही, ऐसे दिख रही। और क्लॉक में घड़ी भी कैसे चलती है, ऐसे ही चलती, नहीं चलती, दिख रहा नहीं दिख रहा, क्लॉकवाइज नॉर्थ डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलती, आधा समझ में। और इधर ये क्या है, साउथ डायरेक्शन, इसमें कैसी चलेंगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये कुछ इससे विपरीत चलेंगे, विपरीत मतलब ऐसे चलेंगी। अभी डायरेक्शन निकालना हम बताएंगे, लेकिन इनका जो मुंह है, दोनों पवनों का जो मुंह है, एकदम फेस जो है वो कहां पे टकरा रहा है, 0 डिग्री पे टकरा रहा है। जब 0 डिग्री पे दोनों तरफ से हवाएं आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ITCZ, ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, ITCZ बन गया। यहां पे दो तरफ से थपेड़ पड़े दो बार, इधर से भी कोई थप्पड़ मारे और उधर से भी थप्पड़ मारे, दोनों तरफ से। स्कूल में कई बार मास्टर मारते हैं, इधर से मारते तो नीचे होता तो उधर से भी मारते, देखो इधर से भी पड़ रहा थप्पड़ उधर से भी, तो इसको क्या बोलेंगे, ITCZ। अब किसी को थप्पड़ पड़े तो बता देना आप क्या बन गया, ITCZ बन गया। आई का मतलब इंटर, टी का मतलब ट्रॉपिकल, सी का मतलब कन्वर्जन जोन, कन्वर्जन आ गया, देखो दोनों का कन्वर्जन हो रहा है। पूछा गया है ITCZ कहां पे बनता है, एग्जामिनर का कहने का मतलब है बताओ दोनों तरफ से हवाओं के थप्पड़ कहां पे लगते हैं, केवल पूरे ग्लोब में तुमको कहां पे दिख रहा है, 0 डिग्री पे दिख रहा है, ITCZ बोलते हैं, नोट डाउन कर लो।